हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल कॉम्पिटिटिव हेल्प पर वेलकम। और आज की जो वीडियो हम लेकर आए आपके लिए मैथमेटिक्स की लेकर आए हैं, जिसमें हम एरिथमेटिक पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, हम एरिथमेटिक में अपने टाइम एंड वर्क को कंप्लीट करेंगे, जो कि आप जैसे कि आप सामने एक अपने पेज दिख पा रहे हैं जिसपे लिखा हुआ है कुछ मैथ के क्वेश्चन। ओके, तो है ऐसा कुछ है कि जो ये वीडियो है, हमने इंग्लिश की तो प्रोवाइड कराई ही आपको, अब मैथ की लेकर आए हैं। मैथ में हम वो वीडियोज़ लेकर आए हैं जो हमने जब कोचिंग ली थी, तो कोचिंग के टाइम पर हमने कुछ नोट्स प्रिपेयर करते जो हमारे लिए आगे जाकर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुए थे। तो वही कुछ हम नोट्स जो कि टाइम एंड वर्क, आपके टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड एंड डिस्टेंस, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, ओके, से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, आज की जो हमारी वीडियो है और कुछ सीक्वेंस में जो वीडियो चलेगी हमारी टाइम एंड वर्क से चलेगी, क्योंकि हमें पता है सिर्फ वेटेज वाले चैप्टर जो होते हैं हमारे टाइम एंड वर्क, और जो चैप्टर्स होते हैं आपको टाइम फ्रीडम बता दूंगा, लेकिन टाइम एंड वर्क इज आल्सो अ वेटेज चैप्टर। सो डेली मैं ये नहीं कहता, जी हाँ, मैं ये नहीं कहता कि डेली आप 30 ही क्वेश्चन करें, क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होगा कि किसी दिन ऐसा भी होगा कि आपका मन ही नहीं करेगा बिल्कुल पढ़ने का। तो अपने दिल को समझाना है और कहना है कि यार मुझे डेली एटलीस्ट अगर आप 5 कर सकते हैं तो बहुत बेस्ट है, 5 तो करने ही करने हैं कैसे भी। फिर भी 5 भी नहीं करता तो दिल से कहो कि 2 तो कर ले भाई, आज बस 2 कर ले क्वेश्चन, 2 इज़ इनफ, 2 इज़ इनफ। सो चलिए, आज मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा सिर्फ आपको, ठीक है, डेली मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा टाइम एंड वर्क के, और वो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ये नहीं किसी जैसे दूसरे चैनल वाले क्या कराते हैं, टाइम एंड वर्क ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, ये कर लो, नहीं 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 ऐसा नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी हाँ, ये राकेश सर आप देख पा रहे हो, राकेश सर से ही मैंने जब ऑफलाइन कोचिंग ली थी, अब सारी डिटेल्स नहीं शेयर कर सकता जब, तो उनकी बुक भी आती है बहुत मोटिवेटिव, तो उस समय के ही नोट से ये, ठीक है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि यार गवर्नमेंट जॉब के लगे या ना लगे, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट इसमें ऐसा ही होता है कि क्योंकि स्पीडों का हिसाब है, अगर आप स्पीड में इतने क्वेश्चन कर जाते हैं तो आपकी 1-1 पॉइंट आपकी जॉब लग जाती है, ठीक है, बट कोशिश कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, कहीं ना कहीं आपके काम ही आता है सही का। A can do a work in 2 hours, B can do 3 times of this work in 8 hours, and C in 8 hours. If they work together, then in how many days the work will be complete? So, जैसे कि बताया गया, A किसी कार्य को 2 घंटे में, B उसी कार्य को, उस काम का 3 गुना 8 घंटे में करता है, B उसी काम का तीन गुना 8 घंटे में करता है, और सी जो था 8 घंटे में करता है किसी काम को। यदि वो तीनों मिलके काम करे तो कितने दिनों में जो पूरा कार्य है वो कंप्लीट हो जाएगा? चलिए, तो आप क्या करते हैं जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बेसिक तो आपको सबको पता ही होगा, ठीक है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपके प्रिपरेशन अभी इतनी है, बेसिक तो है ही कंप्लीट। तो अभी क्या है कि आपका आगे देख पा रहे होगा ए बी सी, हम क्या करेंगे इन तीनों ए बी सी का एलसीएम ले लेंगे। जैसा कि पहले ए किसी काम को 2 घंटे में कर रहा था, 2 घंटे उसके, बी क्या कर रहा था उसी काम का 3 गुना काम 8 घंटे में कर रहा था, तो 8 घंटा ऊपर नीचे आ जाएगा 3 गुना काम। भाई देखो, हमें भाई क्या पता चल रहा है काम, समझ पा रहे हो मैं कह रहा हूँ, ऊपर घंटे रखे जा रहे हैं, नीचे टाइम, नीचे क्या रखा जा रहा है आपका काम रखा जा रहा है, काम उसी काम का 3 गुना, उसी काम का क्या 3 गुना, समझ लो, अगर किसी काम के 3 गुने की बात करी जा रही है और टाइम भी दे रखा है आपको, तो आप क्या करते हो टाइम को ऊपर रखते हो, नीचे क्या रखते हो अपने 3, जो आपका 3 टाइम्स होता है, समझो ध्यान से समझो इसको, क्योंकि मुझे लगता है कि अधिकतर स्टूडेंट्स यही कन्फ्यूज होंगे, तो इससे मैंने नीचे दिखाया भी है 3 गुना बराबर होता है 8 घंटे के, क्योंकि जब 3 गुना काम 8 घंटे में कर ले रहा है तो एक गुना काम कितने में करेगा, 8/3 घंटे में कर लेगा, समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ, हमें यही तो निकालना है ना टाइम, हम वहाँ पे सारे घंटे रखे जा रहे हैं, देखो अब 2 घंटा 2 आवर जो लिखा है 8/3 आवर और 8 आवर, तो हम क्या कर रहे हैं कि 3 गुना काम जब 8 घंटे में कर रहा है तो 1 गुना काम कितने घंटे में कर लेगा, ऑब्वियसली 8/3 घंटे में, ठीक है, तो वही हमने वहाँ पे रखा है बी की जगह कि बी 8/3 घंटे में उस काम को कर लेता है, सी उसी काम को 8 घंटे में करता है, करेक्ट। अब क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे, अब आप सोचोगे सर एलसीएम कैसे लेंगे, क्योंकि एलसीएम तो ये तो एक तो फ्रैक्शन में है बी वाली, जी हाँ यही तो ट्रिक्स है, यही तो लॉजिक्स है, आपको क्या करना है सिर्फ न्यूमरेटर्स का एलसीएम लेना है, यानी कि आपको सिर्फ अंश का एलसीएम लेना है, यानी कि हर का नहीं लेना, आपको सिर्फ अंश अंश का एलसीएम लेना है, यानी कि अरे आपके कुछ हिंदी वाले भाई भी होंगे उनके लिए हिंदी बोल रहा हूँ, अंश यानी कि न्यूमरेटर का एलसीएम लेना है, यानी कि 288 आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या एलसीएम आएगा इसका,
लीजिए लीजिए एलसीएम लीजिए, क्या एलसीएम आएगा आपका, क्या एलसीएम आएगा, कौन बताएगा एलसीएम क्या आएगा? ऑब्वियसली एलसीएम आपका आएगा 8, ठीक है, आपके पास एलसीएम कितना आएगा 8, ठीक है, ठीक है, तो एलसीएम आ गया आपके पास 8। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो ए कितने घंटे में काम कर लेगा इसको, जैसे कि हमने दिखा रखा है जब पूरा एलसीएम आया 8, तो ए उसी का एक दिन एक ए, ए, ए एक काम को कितने घंटे में कर लेगा, 4 घंटे में। बी एक काम को 3 घंटे में, जैसे कि हमने दिखा रखा है ना यहाँ पे, ये रहा ये चार, ए एक काम को 4 घंटे में, चार एक काम को 4 घंटे, चार एक 4 घंटे में, और बी उसी काम को 3 घंटे में, और सी उसी काम को 1 घंटे में, 1 घंटे में कर देता है। तो अब तीनों की ये एफिशिएंसी आ गई, एफिशिएंसी होती है ये, क्षमता आ गई, एफिशिएंसी क्या कहलाती है, एफिशिएंसी कहलाती है, यानी कि क्षमता। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी इज़ इक्वल टू टोटल वर्क। हम क्या करेंगे, टाइम की गुणा किससे करेंगे, एफिशिएंसी से, और इन दोनों का जो गुणा होता है वो टोटल वर्क के बराबर होता है, कुल कर रही है एफिशिएंसी, अपने को पता चल गई 4, 3, 7, 7 और 1, 8, मतलब हम क्या करेंगे, टाइम मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 8। टोटल वर्क हमारे पास कितना है, टोटल वर्क हमारे पास कितना था, टोटल वर्क जो इनका एलसीएम आएगा बट्टे में, वही हमारा टोटल वर्क, याद रखना टोटल वर्क था हमारे पास 8, टोटल वर्क हमारे पास कितना था 8, ठीक है, तो टोटल वर्क 8 हो गया, एफिशिएंसी आ जाएगी बट्टे में, तो 8 बाई 8 से जाएगा 1, मतलब तीनों मिलकर काम करेंगे तो 1 घंटा लगेगा, सिर्फ 1 घंटा, दैट इज़ द पावर ऑफ यूनिटी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आप लाइक नहीं करते हो, मुझे समझ में नहीं आता क्यों नहीं करते हो, फिलहाल कोई नहीं, आने वाले समय में आप करोगे, और मुझे भरोसा है आप कभी ना कभी तो करोगे ही करोगे, आज नहीं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आने वाले समय में जरूर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इस क्वेश्चन को ही रखते हैं, कल हम एक नए क्वेश्चन के साथ जरूर आएंगे आपके सामने, ठीक है, तब तक के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।